और परिवर्तन यात्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, फरीदाबाद में इनेलो की परिवर्तन यात्रा का आज 18वां दिन है। उससे जुड़ी ये बड़ी खबर, तिगाव पहुंची अभय चौटाला की अगुवाई में यात्रा। अभय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधा है, निशाना साधा है अभय चौटाला ने सरकार पर। सरकार से हर वर्ग परेशान है, अभय चौटाला ने कहा है। इनेलो की परिवर्तन यात्रा का आज 18वां दिन है। फरीदाबाद में ये यात्रा पहुंची है, अभय चौटाला की अगुवाई में ये यात्रा हो रही है। आपको बता दें, और फरीदाबाद से मेरी सहयोगी ज्योति सांगवान मेरे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। ज्योति, यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, आज क्या कुछ हुआ है यात्रा में, और ये जो बयान दिया गया है क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से? बिल्कुल सृष्टि, आज फरीदाबाद के तिगांव में हम हैं। शुरुआत जब हुई तो प्रिथला से आज के दिन की शुरुआत हुई। आज चूंकि 18वां दिन है तो आज भी यात्रा तिगांव पहुंच चुकी है। यहां लंच का कार्यक्रम रहा और अब कुछ ही देर में यात्रा एक बार फिर से शुरू होने वाली है। तो अभय चौटाला पैदल चल रहे हैं, बस के जरिए भी लोगों से संवाद कर रहे हैं। दावा उनका ये है सृष्टि की वो लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं। हालांकि दिलचस्प ये है, हमने भी उनसे पूछा कि सरकार जब शिकायतें सुनती है तो कोई निवारण किया जाता है, कोई समाधान किया जाता है या कोई भरोसा दिया जाता है, लेकिन विपक्ष के लोग अगर शिकायतें या समस्याएं सुनते हैं तो क्या की जाए? तो अभय चौटाला का कहना है कि सरकार को वो बताने वाले हैं कि सरकार से लोग बेहद परेशान हैं। युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, व्यापारी हो, कोई भी वर्ग हो, आज हरियाणा सरकार से बेहद परेशान है। बजट सत्र के दौरान भी उनकी ओर से ये मुद्दा उठाने की बात कही गई है। और जैसा कि नाम दिया गया कि यात्रा को परिवर्तन यात्रा, अभय चौटाला का दावा है कि हर एक वर्ग, पूरे ही प्रदेश का सभी हरियाणवी परिवर्तन चाहते हैं। 2024 में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। दावा कर रहे हैं अभय कि सत्ता परिवर्तन की नींव इसके जरिए, यात्रा के जरिए इनेलो रखने वाली है। हालांकि देखना है सृष्टि की कितना इनेलो संगठन को मजबूती मिलती है, कितनी हवा, क्योंकि 7 महीने करीब पैदल चलने वाले हैं अभय चौटाला, ताऊ देवीलाल की जयंती तक यात्रा को पूरी करने वाले हैं। सभी 90 हलकों में जाएंगे, नूह से आगाज किया गया था, तो कितना परिवर्तन आता है, संगठन को कितनी मजबूती मिल पाती है, मुद्दों को भुनाने में अभय कितने कामयाब हो पाते हैं, ये देखने वाली बात। ज्योति, कितना साथ मिल रहा है जनता का इस यात्रा को, जनता कैसे देख रही है? देखिए, लोग काफी संख्या में जुड़ रहे हैं सृष्टि, लेकिन ये लोग जो साथ में आ रहे हैं, क्या ये आने वाले टाइम में इन्हें वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे अभय, ये अभी कहा नहीं जा सकता। क्योंकि आप इनेलो की रैलियां देखेंगे, कार्यक्रम देखेंगे, कोई भी आयोजन को लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं, लेकिन एक लंबा अरसा हो गया के, समय हो गया के, जब इनेलो पार्टी उन लोगों को, भीड़ को वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाती है। तो अभय क्या इस बार हवा बदलेंगे, अभय क्या पार्टी के पक्ष में माहौल बना पाएंगे? क्योंकि पार्टी का सबसे बुरा दौर आप कह सकते हैं एक लिहाज से, लेकिन अभय का आप दावा है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग गठबंधन सरकार से परेशान हो चुके हैं, लोग इनेलो को एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, तो जो रिस्पांस मिल रहा है कि लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, वो कितना अपना रुझान आने वाले चुनाव में अभय के लिए दिखाते हैं, ये चुनाव के वक्त ही कहा जा सके। ज्योति, आपके आसपास यात्रा में शामिल लोग भी मौजूद हैं, अगर आप उनसे बातचीत करें और उनसे जानने की कोशिश करें तो? देखिए, मैं अपने कैमरामैन मुकेश को कहूंगी कि तस्वीरें भी दिखाएं, कुछ लोग हैं अगर वो बात करना चाहें। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है यात्रा को? बहुत बढ़िया मिल रहा है जी, हर आदमी ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहा है, हर यात्रा सफल होगी, बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, बहुत ज्यादा संख्या में लोग जुड़ रहे हैं हमारे से। आप लोगों को लगता है कि अभय को या इनेलो पार्टी को पसंद किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग तो पार्टी के वर्कर ही हैं, तो लगेगा जाहिर है। नहीं नहीं, आमजन को लग रहा है ऐसा? आमजन को बहुत ज्यादा लग रहा है, परेशान है सरकार से, 18 साल हो गए सरकार ने, अब परिवर्तन चाहते हैं लोग। हाँ। सरकार को तो भी 8 से 9 साल हुए हैं, लेकिन क्या कुछ कहते हैं दूसरे लोग, उनसे भी हम बात करेंगे जी। आप क्या मानते हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या रुझान लोगों का? देखिए, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं, आज हर वर्ग की सरकार से दुखी है। आप देखोगे चाहे सरपंचों को बिटने की बात हो, चाहे किसान आंदोलन हो, आज हर एक वर्ग इस सरकार से तंग आ चुका है और हरियाणा में बदलाव चाहता है, तो लोग बदलाव के तौर पे अभय सिंह चौटाला जी को देख रहे हैं। हरी पगड़ी पहनी है आपने, अभय बात कर रहे हैं परिवर्तन लेकर आएंगे, किस तरह का परिवर्तन? परिवर्तन ये आएगा, राज को बदलेंगे, मोदी जी से सीधी लड़ाई है, मोदी से लड़ रहे हैं सीधा, सीधी मोदी से लड़ेंगे, नीचे वाले तो आप लोग गिर जाएंगे। नहीं, पार्टी तो हरियाणा की ही ले लो, पार्टी जब बेशक हो जनता में, सारे भारत में मान्य है ये अभय सिंह चौटाला, सत्य है ये, इसीलिए। क्या माहौल देख रहे हैं यात्रा को लेकर? माहौल बहुत अच्छा है जी, अभी तक 3 जिलों में भाई साहब जैसे होके आए, मेवात से शुरू हुई ये यात्रा, गांव सिंगार से पलवल क्षेत्र में और ये फरीदाबाद क्षेत्र शुरू हो गया, तो हर जगह पॉजिटिव माहौल है, लोग जुड़ रहे हैं,
और लोग परिवर्तन चाहते हैं। इनेलो अलग अलग स्वरूप में कभी लोकदल के रूप में मजबूत रही हरियाणा में, कभी सरकार में रही, कभी मुख्य विपक्षी पार्टी रही, अब सबसे बुरा दौर के क्या उम्मीद कर रहे हैं आने वाले चुनाव से? आने वाला चुनाव बहुत अच्छा होगा और इनेलो के पक्ष में जाएगा, सरकार बनेगी, लोगों की आस्था है और लोग चाहते हैं बदलाव, दिल से चाहते हैं। चौधरी अभय सिंह जी जहाँ जाते हैं वहाँ भाषण नहीं देते, वो बात करते हैं लोगों से, क्योंकि आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो एक नारा दिया है वो ये दिया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये तीन चीजें मूलभूत सुविधाएं जो सरकार उनको उपलब्ध कराए, लेकिन ये भाजपा और जजपा की सरकार इनको उपलब्ध कराने में फेल है। तो इस वो अपना जो रूप देख रहे हैं वो देख रहे हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला। आप लोग भी आम लोगों के बीच भी जा रहे हैं, इनेलो के जो वर्कर हैं, पदाधिकारी हैं, क्या कहना है लोगों का यात्रा को लेकर? लोगों को कहना है भयभूख भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मुख्यमंत्री जी कहते थे खर्ची अपनी पर्ची खर्ची की सरकार नहीं है, लेकिन उनके विधानसभा में उनमें अपने सेक्टरियों से नोटों के बंडल बरामद हुए पीछे, और आज अग्निवीर योजना बना करके आज हरियाणा बेरोजगारी के नंबर वन पर है, और लोगों की मांग है कि रोजगार सबसे पहले चाहिए। चौटाला सरकार में सबसे ज़्यादा रोजगार दिए गए थे, चाहे वो पुलिस की भर्ती रही, चाहे JBTU रही, जो भी रही, ये तो लोगों का ध्यान भटकाते हैं। जो बीजेपी सरकार है, JJP सरकार है, ध्यान भटकाती है। अच्छा, आप भी आगे आ जाइए, राहुल गांधी ने भी यात्रा निकाली थी, अब यात्रा निकाल रहे हैं, क्या अंतर देखते हैं? राहुल गांधी जी की में और अभय चौटाला जी की में बहुत अंतर है। ये घर घर जुड़ रहे हैं, गांव गांव जुड़ रहे हैं, वो घर घर और गांव गांव नहीं जुड़े थे। अच्छा। इसलिए इनका प्रभाव बहुत ज्यादा है, और वैसे भी ये तो किसानों के मसीहा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्या पार्टी को भी जोड़ पाएंगे, क्या पार्टी को मजबूत कर पाएंगे? पार्टी तो 101% मजबूत हो चुकी है जी, पहले भी मजबूत थी, लेकिन किसी कारणवश या तो हमारी गलतियां रही होंगी लोगों को समझाने में, या उनकी गलती रही होंगी समझने में, कुछ ना कुछ तो। किन्हीं भी कारणों से इनेलो केवल एक विधायक वाली पार्टी हो गई है, आपको लगता है कि पैदल यात्रा करेंगे अब है जनता के बीच जाएंगे, कोई मजबूती मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी जी मजबूती, लोगों के बीच में जाएंगे, आम जनता से मिलेंगे, और लोगों के अंदर जो झूठा प्रचार फैला रखा है ऐसे वैसे, इससे लोगों को पता चला कि अभय सिंह जी कितने सच्चे और कितने बड़े आदमी हैं। तो इनेलो का झंडा आपने उठाया कि आपको, आप मानते हैं, लगता है आपको इस यात्रा से बुलंद होगा इनेलो का झंडा? हाँ जी, जैसे भी जहाँ भी गांव से परिवर्तन यात्रा गुजरी है वहाँ जमावड़ा लोगों का है, और लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मिल रहे हैं, और आने वाले समय में परिवर्तन 100% होगा। ये लोग जो जुड़ रहे हैं वोट देंगे आने वाले चुनाव में, क्योंकि इनेलो की तो रैलियों की बात करें, कार्यक्रमों की बात करें, लोग आ जाते हैं लेकिन वोट नहीं देते, वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। नहीं, ऐसा नहीं है जी, आप 25 सितंबर को कुरुक्षेत्र आ जाइए, आप भी देख लेना। अच्छा। तो जितने आएंगे वो सभी वोटों में आएंगे, वो वोटों में तब्दील होंगे जितनी संख्या में। उसका दावा है कि जो भी लोग आएंगे वो वोट में भी कन्वर्ट होंगे, लोगों का समर्थन भी मिल रहा है सृष्टि, और देखना ये है कितना हरियाणा जोड़ पाते हैं अब है, पार्टी संगठन को कितनी मजबूती दे पाते हैं यात्रा के माध्यम से। चलिए, परिवर्तन की बात कर रही है, पार्टी खुद को मजबूत भी करना चाहती है, साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकाल में जो कमियां रही उनको भी उठाने की कोशिश में है। आप देखने वाली बात होगी समर्थन कितना मिलता है। बहुत शुक्रिया ज्योति आपका जानकारी देने के लिए।